lot of people are actually asking ki abhi what's happening with Dhoni. I said I don't know. अरे यार वो आप उनको ही पूछो यार. वो एक MS धोनी जब क्रिकेट नहीं खेलते तो वो किसी के हाथ में नहीं आते, वो अंडरग्राउंड हो जाते एकदम. हाँ, अभी तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सीधे उनके पास पहुंचिए. रांची में रहते हैं आप, सबको पता है. हाँ. अभी तो नहीं जा सकते कोई, बट जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा अपना गाड़ी लीजिए या ट्रेन लीजिए, फ्लाइट लीजिए, जो ले सकते हैं, उनके घर पहुंचिए और उनसे पूछिए कि क्या करने वाले हो आप खेल रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम लोगों किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ. देखो क्योंकि मैं अभी वहां पे कैंप में था ना चेन्नई के, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि यार धोनी खेलने वाला है, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा. मैंने कहा आई डोंट नो, इट्स अप टू हिम. वो खेलना भी चाह रहा है या नहीं वो उसका डिसीशन है. और अगर वो IPL खेलना है उसने, वो तो 100% IPL खेलेगा. बट क्या इंडिया के लिए वो खेलना चाहता है, सबसे पहली जरूरत तो वो ये है जानने की कि उसका मन है या नहीं. बट एज फार एज आई नो, मुझे लगता है कि वो उसका मन नहीं है. उसने खेल लिया है इंडिया के लिए, और जहां तक मैं उसको जानता हूं, मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा वो ब्लू कपड़े पहनना चाहेगा. हाँ मतलब हाँ, IPL जरूर खेलेगा, पर इंडिया के लिए खेलने के लिए मुझे लगता है शायद उसने डिसाइड कर चुका था कि वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच होगा, चाहे फाइनल हो सेमीफाइनल हो, वो उसका लास्ट मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है. और एक दो लोगों ने मुझे बोला भी था कि शायद ऐसा ही होगा. ओके तो अभी हमारे पास तो कुछ न्यूज नहीं आया है इतने टाइम. मतलब वर्ल्ड कप का लास्ट मैच कब था, जुलाई में था, और वहां से लेके अब तक तो हमने तो कुछ नहीं सुना है, तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है. मुंबई इंडियन के सामने हैट्रिक ली थी किसी बंदे ने, वो बंदा कौन है किसी को पता है या नहीं? किसी को नहीं पता है बच्चू, कौन नहीं पता है? मुंबई इंडियन के सामने किसने हैट्रिक ली थी, और उस हैट्रिक में दूसरी विकेट मैं था. अरे यार बताओ ना जल्दी, बताओ कौन था वो. लोगों बज्जू पानी कौन सा एयरपोर्ट पहना हुआ है, कौन सा कैप पहना हुआ है, कौन सा टी शर्ट इसकी पड़ी हुई है. अरे टी शर्ट तो ये ऐसी है, ये मतलब इसकी हालत भी मेरी तरह होगी, ये बहुत पुरानी है. बताओ ये, हाँ किसने ली थी शाने, याद है तेरी हैट्रिक? बिल्कुल याद है, एक ही तो हैट्रिक लिया लाइफ में. एक हैट्रिक मैंने भी मैंने अपने स्कूल क्रिकेट में एक लिया था हैट्रिक. हाँ बट हाँ अभी मतलब उस टाइम पे मैं काफी रेगुलर बॉलिंग करता था, तो हमारे जो कप्तान थे गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने मुझे याद है अभी भी कि टूर्नामेंट के पहले उन्होंने मुझे बोला कि यार I want to play you as an all-rounder. You have to contribute in bowling also. Because I see you can bowl really well. तो दो तीन चार ओवर तेरे और साइमंड्स के बीच में हम अगर डाल सकेंगे तो हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं. तो और उस टाइम यार तू हैट्रिक ही ले गया, कमाल है यार. मेरा बेस्ट अरे बज्जुआ मैं उस सीजन मैंने कुछ 14 या 15 विकेट लिए थे. अच्छा इतना रेगुलर बॉलिंग देता था गिलक्रिस्ट? वही मैच में 4 विकेट लिया था मैंने आप लोग के सामने. फिर हर एक मतलब एक एक दो दो विकेट करके मैं 15 विकेट ले चुका था उस साल. आज की डेट में तो मेरा फेवरेट जो ऑफ स्पिनर है वो मैं कहूंगा नेथन लॉयन. ठीक है, फिर स्वान आई यूज टू लव वॉचिंग हिम, क्योंकि स्वान वाज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज लेंथ एंड वो ज्यादा चीजें ना वो नहीं करता था. फिर ऑफ स्पिनर्स ज्यादा थे नहीं, बट मैं दूसरे स्पिनर्स के नाम ले सकता हूँ कोई लेग स्पिनर या? हाँ मुरलीधरन. मुरली सर तो फिर लेजेंड ही है ना, बिल्कुल ही नंबर वन मुरली सर. नंबर टू हो गए आपके अब आज की जनरेशन के नेथन लायन मुझे लगता है. स्वान वाज वेरी गुड, और सेक्की भाई क्लास बॉलर था, बहुत बड़ा बॉलर था रोहित वो. तब दूसरा किसी को पिक नहीं होता था, बहुत बड़ा बॉलर था वो, बहुत बड़ा मैच विनर था वो. 45 से लेकर 50 ओवर तक के बीच में वो बॉल डालता था, 2-3 आउट करके मैच जिताता था हमेशा. एंड प्रेजेंटली मैं कहूंगा इंडिया के पास तो अश्विन से बेटर ऑफ स्पिनर नहीं है. जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली पाजी के अलावा मैंने किसी को देखा नहीं था.
सचिन पाजी को ही देखा था, फिर बाद में धीरे धीरे मुझे ऑब्वियसली राहुल भाई भी थे जिन्होंने वो सीरीज जो हुआ था इंग्लैंड में 2002 में, उन्होंने उधर वहां पे बहुत 100 बनाए थे राहुल भाई ने, आई थिंक 200 भी बनाए थे और 170 180 300 बनाए थे उस टूर पे उसने। हाँ, और वीरू भाई तो आपको पता ही है, अगर वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं ऊपर जाकर, और वो सिचुएशन में जब अगर बैट्समैन वैसे माइंडसेट से जाता है तो बॉलर का आधा कॉन्फिडेंस उधर ही खराब हो जाता है। बिल्कुल आई थिंक वीरू भाई हमेशा मेरे लिस्ट में रहेंगे, फिर उसके बाद लच्छी भाई और ऑब्वियसली दादा तो है ही। तो ये टॉप 5 जो जिनको मैंने देखा है खेलते हुए। जो मुझे मुश्किल लगे ना रोहित बैट्समैन, एक तो मुझे जैक कैलिस बहुत मुश्किल बैट्समैन लगा टेस्ट क्रिकेट में। हाँ टेस्ट क्रिकेट में। दूसरा अगर बोलूं तो मैथ्यू हेडन, ठीक है। हाँ नंबर 3 मैं कहूंगा ब्रायन लारा, बहुत तगड़ा जिसको। फिर उसके अलावा यूनिस खान ने बड़ा मुझे तंग किया। यूनिस स्वीप, जो स्वीप खान मारते हैं, अच्छा स्वीप यूनिस खान ने का बड़ा जो तंग किया, वो रुला मैथ्यू देता हेडन था को। वो हाँ हाँ बिल्कुल। है। फिर मैं कहूंगा इंजमामुल हक, जो मुझे मुश्किल लगा बैट्समैन जिसको आउट करना मुश्किल है। तो हाँ दीज वर माई 5, मतलब ऐसे तो कई हैं बट लगता है कि ये 5 जो है ये बहुत ही तगड़े थे।